आर्टिवल फेस्टिवल का ओपनिंग के लिए गेस्ट तौर पे आया हूँ। बड़ा आनंद की बात है, बड़े आनंद की बात है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में इतनी बड़ी गैलरी उपलब्ध है, क्योंकि जब मैं आर्टिस्ट था, मैं यंग था, तो हमारे ज़माने में 2-3 गैलरियाँ थी, जहांगीर थी, ये थी, और बहुत मुश्किल से उसको डेट मिलती थी, और जो नए आर्टिस्ट थे उनको अपना काम दिखाने के लिए बहुत मुश्किल होती थी। लेकिन क्योंकि आर्टिवल ये बहुत सालों से 3 सालों से कर रहा है, और दुनिया के मतलब हिंदुस्तान के कोने से अलग अलग विभाग से आर्टिस्ट यहाँ आए हैं, अलग अलग प्रदेश से आए हैं, इसकी वजह से एक वैरायटी भी बहुत अच्छी देखने को मिलती है, और इन आर्टिस्ट के वर्क से आपको उनका अपना सोच, अपनी सोच, अपना कल्चर भी आपको दिखता है, और अलग अलग मीडियम में लोगों ने काम किया हुआ है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में भी बहुत लोगों ने काम किया हुआ है। तो मैं ये जो सारी कमेटी है जिन्होंने ये सारा ये शो ऑर्गेनाइज़ किया है, उनको बहुत बधाई देता हूँ, और मैं उनको बहुत ऑल द बेस्ट भी देता हूँ कि अगले साल से और अगले कई साल ये बहुत बड़ा बने आर्टिवल। और हमारे दोस्त हैं प्रशांत कासिकर इधर, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं लेकिन आर्ट में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, और जो सारे यंग लोग हैं उनके भविष्य की बहुत इनको चिंता रहती है। तो अलग अलग आर्टिस्ट्स को इन्होंने इनके प्लेटफॉर्म ने बुला के बहुत बड़ा काम किया है, और मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत जयवंत काशीकर है, मैं इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ, और ये एक इवेंट हम लोग जो चला रहे हैं, ये 2018 से हम लोग ने चालू किया है यहाँ पे, और वर्ल्ड ट्रेड में 4th हमारा इवेंट हो रहा है अभी। ये मूल उद्देश्य ये है, यहाँ पे जो हमारे देश के जो आर्टिस्ट है उनको प्लेटफॉर्म खड़ा करना है, और उनको दुनिया को दिखाना है कि हम क्या क्रिएशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये पूरा दुनिया जानना चाहती है कि यहाँ पे क्या, ये जो है ये सब दैवी है, एक गॉड गिफ्टेड है, जो हिंदुस्तान को बोलते हैं देवताओं की भूमि, बोलते हैं ऋषि मुनियों की भूमि, लेकिन यहाँ पे जो आर्ट है वो सचमुच डिवाइन है, ये भगवान से गिफ्ट मिली है, तो हम दुनिया को बताना चाहते हैं। और ये जो प्रोग्राम है हम नो प्रॉफिट लो लॉस बेसिस पे कर रहे हैं, और हमें इसमें और लोगों को जोड़ते जाना है, और ऐसे कलाकार अपनी अदाकारी यहाँ पे आके दिखाए और दुनिया को दिखाए, ये हमारा मानस है। और सभी जो आप पत्रकार लोग हैं, जो टीवी से है, जो चैनल से है, जो यहाँ पे जो जिन्होंने एक्टिविटी चालू की, मिस्टर सतीश पाटिल, बाद में डॉक्टर जयेश डागरे, बाद में मिस्टर सॉरी, तो इन सभी लोगों ने ये मुहिम चालू की, मैं उसमें जुड़ा हूँ। मैं आप सबसे विनती करता हूँ, आप भी ये मुहिम में जुड़ जाइए, और हमारा देश का नाम कला प्रांत में, आर्ट में हमें रोशन करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर क्या कहना चाहेंगे आज के दिन इवेंट के लिए? आपने पूरा ऑर्गेनाइज किया हुआ, किस तरह से इसको तैयारी किया? ये आर्टिवल आर्ट पर एग्जीबिशन ये 2018 से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। 2 साल कोविड की वजह से हम लोग कुछ भी है, हम लोग ये इसके वजह से हम लोग शो कर नहीं पा रहे थे, लेकिन हम लोगों ने नो प्रॉफिट नो लॉस ये बेसिस पे हम लोगों ने एक डेयरिंग करके हम लोगों ने एक सब आर्टिस्ट का भी इसमें हमारा अच्छा सहयोग है इसके अंदर, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिस्ट लोगों को मास्टर आर्टिस्ट के साथ में, प्रोफेशनल आर्टिस्ट के साथ में एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने का, और हमको हम लोग उनको एक अच्छे जगह पे एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके सबको एक साथ में हम लोग ये करने का कोशिश कर रहे हैं शो के माध्यम से। तो हमारा यही आगे भी यही कोशिश रहेंगे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये अच्छे आर्टिस्ट, प्रोफेशनल आर्टिस्ट और इसके अंदर सिलेक्टेड आर्टिस्ट को लेके हम लोग अच्छा शो कर पाए, और सब जगह पे हम लोग मतलब अच्छे से अच्छा हम लोग की कोशिश रहेगा। थैंक यू वेरी मच। देखिए इवेंट के बारे में तो बोलना क्या, आपने देख लिया है सब चीज़। अभी हम लोग ये आर्टिकल को बहुत टाइम से कर ही रहे, तो
अभी यहाँ से यहाँ पे हमारे पास पूरे इंडिया से सब सारी जगह से आर्टिस्ट आ रहे हैं। बेसिकली हमने इसको इसलिए प्लान किया था कि हमारा आर्टिस्ट लोग के लिए एक प्लेटफॉर्म मिले, जैसे अभी कुछ कुछ गैलरीज है, तो उस वजह उसी तरह से हम यहाँ पे एक बड़ा प्लेटफॉर्म सब आर्टिस्ट के लिए मिल के एक हो जाए, तो इसीलिए हमने ये आर्टिकल स्टार्ट किया था। तो ऑलमोस्ट वो सक्सेसफुल होते दिख रहा है, तो थैंक यू सब लोग का कोऑपरेशन। नमस्कार, मैं राजेश जगदने आर्टिस्ट और यहाँ पर आर्टिवल फेस्टिवल में मैं आया हूँ, तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तो ये नए आर्टिस्ट के लिए भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपना आर्ट वर्क दिखाने के लिए। बहुत से आर्टिस्ट रेगुलर काम तो करते ही है, लेकिन कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं कि जो कुछ नया क्रिएशन करते हैं जो किसी ने अभी तक किया नहीं, वो दुनिया के सामने लाने के लिए ये बहुत अच्छा आर्टिवल प्रोग्राम है जो ये जो भी यहाँ पर हो रहा है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई में, तो ये बहुत अमेजिंग प्रोग्राम है और बहुत सारे आर्टिस्ट को बहुत आगे लेके जाने के लिए सबको बहुत अप्रिशिएट रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।